नमस्कार, आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। सेल आरएसपी के आरएमएचपी की नई कोक क्रशिंग यूनिट में यात्री लिफ्ट उद्घाटित। और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग में दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार प्रदान। अब समाचार विस्तार से। रौरकेला स्टील प्लांट के आरएमएचपी की नई कोक क्रशिंग यूनिट में 23 फरवरी को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी की यात्री लिफ्ट का उद्घाटन आरएमएचपी के मुख्य महाप्रबंधक श्री अरविंद्र मिश्र द्वारा किया गया। इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक मैकेनिकल श्री एवी राजशेखर, महाप्रबंधक प्रभारी ऑपरेशन आरएमएचपी श्री एसएस रायचौधरी, महाप्रबंधक प्रभारी डिजाइन विभाग श्री बिमल कुमार बीसी, महाप्रबंधक इलेक्ट्रिकल श्री एमके गिरी और महाप्रबंधक इलेक्ट्रिकल श्री अबकास बेहरा एवं आरएमएचपी के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि बेस मिक्स तैयार करने के लिए आरएमएचपी की नई कोक क्रशिंग यूनिट बहुत महत्वपूर्ण है। इससे जुड़े उपकरणों को विभिन्न स्तरों ऊंचाइयों पर स्थापित किया गया है। विब्रो फीडर, क्रशर और एलटी मोटर्स जैसे उपकरणों को विभिन्न मंजिलों और विभिन्न ऊंचाइयों पर वितरित किए गए हैं। इस इकाई के लिए 2400 घंटे निगरानी की जाती है और इसके अलावा 10 से ज़्यादा अधिक व्यक्ति जी शिफ्ट और अन्य शिफ्ट में नियमित रूप से विभिन्न मंजिलों पर हाउसकीपिंग, सफाई, निरीक्षण और समय समय पर रखरखाव का कार्य देखते हैं। बेल्ट रखरखाव और जुड़ने की गतिविधियों को उपरोक्त के अतिरिक्त आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। उपरोक्त कारणों को मद्देनजर रखते हुए प्रणाली और उत्पादन में सुधार के लिए यात्री लिफ्ट की बुनियादी आवश्यकता है। तदनुसार 800 किलो क्षमता वाले लिफ्ट को स्थापित किया गया है। कार्य मेसर्स आरोही एलिवेटर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निष्पादित की गई थी और आरएमएचपी के इलेक्ट्रिकल विभाग द्वारा इलेक्ट्रिकल कार्यों को एएमआर अनुभाग के माध्यम से किया गया था। इससे कर्मियों को और माल दोनों के आवागमन में सुविधा होगी। नई सुविधा के कारण प्रत्येक ब्रेकडाउन को देखने में न्यूनतम आधे घंटे की बचत होगी। इससे व्यक्तिगत और उत्पादन निष्पादन में वृद्धि हुई है। इसके अलावा उपकरणों की इस निगरानी और निरीक्षण और नियतकालिक रखरखाव से निश्चित रूप से सभी अनपेक्षित ब्रेकडाउन से बचेंगे। इस निष्पादन से समग्र सुधार और सिंटरिंग संयंत्र के लिए अच्छी गुणवत्ता का बेस मिक्स बनाने में सहयोग मिलेगा। आरएसपी के कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग में 24 फरवरी को आयोजित एक कार्यक्रम में महाप्रबंधक सीईडी सुश्री एस भट्टाचार्य ने 12 कर्मचारियों को कंपनी में 25 साल की दीर्घकालिक सेवा प्रदान के लिए सेवा प्रमाण पत्र प्रदान किया। कार्यक्रम का संचालन उपप्रबंधक कार्मिक श्री संजीव कुमार बेहरा द्वारा किया गया। उल्लेखनीय है कि दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार हर साल उन कर्मचारियों को दिए जाते हैं जिन्होंने अपनी प्रतिबद्ध सेवा के मान्यता स्वरूप कंपनी में 25 साल की सेवा पूरी करते हैं। इसमें प्रशस्ति पत्र और प्रतीक उपहार के रूप में एक स्टेनलेस स्टील का डिनर सेट शामिल है। हिंदी समाचार कक्ष आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।